ओए होए, आज फिर मैम के चैनल से नोटिफिकेशन आ गई पिगमेंटेशन और मेलास्मा को लेके। अब क्या करें, अब तो कंफ्यूजन और बढ़ गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी ये लाइन सुन के बोर नहीं हुए हैं। ये तो प्लीज बताना कि मैम चेंज किया जाए या बढ़िया है, यही सब बढ़िया लगता है सुनना। देखिए, आज आपके पहले कुछ सवालों के जवाब हो जाएं, फिर हम करेंगे रेमेडी स्टार्ट। सबसे पहला सवाल आता है, मैम इतनी सारी वीडियो है, क्या करें क्या ना करें? बहुत ही ज्यादा लोचा है वहां पे, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। देखिए देखिए, अगर हम गांव में रह रहे हैं, मानिए कि मैं एलोवेरा की बात कर रही हूँ, जरूरी नहीं है वो हर जगह पे अवेलेबल हो। मतलब कुछ कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं, दिस इज द ओनली रीजन कि हम एक वर्सेटाइल वो वीडियोस बना रहे हैं, अलग अलग रेमेडीज को लेके, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को लेके, सो देट आपको जो इजिली अवेलेबल है आप उसको पिक करो और स्टार्ट करो। सेकेंड चीज, अगर हमारे घर में चार लोग भी हैं ना, अगर किसी को बुखार होता है, कोई 2 दिन में ठीक होता है, कोई 1 दिन में, और कोई 10 दिन भी लेता है, तो हर किसी की बॉडी अपनी तरह से काम करती है। किसी को पैरासिटामोल से ठीक हो जाता है, किसी को सर दर्द होता है वो डिस्प्रिन लेता है पर उसका बुखार भी उतर जाता है, और कोई डोलो से भी ठीक नहीं होता, और किसी को तो कालपोल लेनी पड़ती है। दिस इज द डिफरेंस। ऐसे ही किसी पे कोई इंग्रेडिएंट सूट करता है, किसी पे कोई करता है। ये नहीं है कि ये कम इफेक्टिव है, ये ज्यादा नहीं, ये इक्वली इफेक्टिव है। बस द थिंग इज कि आपकी बॉडी को जो सूट करेगा वो आप पे अमृत की तरह काम करेगा। आज हम बात करेंगे डार्क स्पॉट्स को लेके, डार्क सर्कल को लेके, पिगमेंटेशन को लेके, मेलास्मा को लेके। इकलौता ऐसा इंग्रेडिएंट जिसे हम रसायन भी बोलते हैं, मतलब मैं जिसे पर्सनली रसायन मानती हूँ, कि वो आपके गट से लेके, आपकी बॉडी से लेके, आपकी हर चीज पे काम करता है, और धीरे धीरे करके आपकी बॉडी को भी क्लीन करता है, गट को भी क्लीन करता है, टॉक्सिन्स को भी बाहर निकलता है, और आपके स्किन के लिए वो सुपर अमेजिंग वर्क करता है। तो एक लोता ऐसा इंग्रेडिएंट जो हमारी बॉडी पे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वर्क करता है। एंड आज हम बात करेंगे एलोवेरा की। उसे यूज करने के तरीके बहुत सारे हैं, और आज मैं आपको एक तरीका परफॉर्म करके दिखाऊंगी और एक तरीका मैं आपको बताऊंगी जो आप इजीली कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एलोवेरा का फायदा उठाया जाए, एलोवेरा को लाया जाए। तो आपको क्या करना है, फ्रेश एलोवेरा लेनी है इस तरह से, और इसका जो है मतलब इतना सा टुकड़ा लेके इसका जो पल्प है इसको आपको निकालना है। ये मैं इसका छिलका जो है इसको हटा रही हूँ यहाँ से इस तरह से अलग, और जो इसका पल्प है इसको मैंने यहाँ पे एक तरफ निकाल लिया पूरा अलग से, ये बस, और मेरा काम यहीं पे हो गया। अब इसके बाद इसको यूज कैसे करना है वो मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि एलोवेरा के जो बेनिफिट है हमारे फेस के लिए बहुत ही डिफरेंट है। किसी को ओपन पोर है, किसी को स्कार है, किसी को पिंपल एक्ने के स्पॉट्स हैं, किसी को बहुत पुराना मेलास्मा है, पिगमेंटेशन है, वो सब पे इक्वली वर्क करेगा, क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करती हैं, नरिश करती हैं, एक्सफोलिएट करती हैं, और मल्टीपल तरह से आपके स्किन को रीजनरेट करती हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे ये एलोवेरा ले लिया, अब इसका जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट ऑयल। आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे मेरे पास पैराशूट का, तो मैं ये यूज कर रही हूँ। इसमें क्या करना है, जो ये पल्प है 1, 2, 3 और 4, 4 ड्रॉप्स मैंने ले लिए, और इसको मैंने इस तरह से किया मिक्स। अब मैंने क्या करना है, जो ये एलोवेरा के पल्प है इसको ऑयल के साथ लेके अपने फेस पे अप्लाई करना है इस तरह से, धीरे धीरे पूरे फेस पे रब करना स्टार्ट करना है। ये एलोवेरा के साथ आपको करना है कोकोनट ऑयल को रब। अब आपको पता ही है कि कोकोनट ऑयल में भी वो सारी प्रॉपर्टीज है जो हमारी स्किन को ड्राइनेस को खत्म करता है, और वो कहते हैं ना कि कितने भी पुराने से पुराने चोट के निशान भी हो, जले हुए निशान हो, जो कोकोनट ऑयल है उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो उनको इतना डल कर देता है। इस तरह से आपको लेके अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है, और जो आपके पास ये वाला हिस्सा है इससे जो है फिर आपको इसको रब करना है इस तरह से। कितनी देर रब करना है, लगभग 3 से 4 मिनट इस तरह से। मतलब बहुत से लोग हैं जो फ्रेश एलोवेरा को खाते भी हैं, क्योंकि आपके डाइजेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। अगर आप खा सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा है। अब जिन लोगों को एलोवेरा नहीं मिलेगा वो क्या करे, वो कुछ और रेमेडी पे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप जो बाजार में एलोवेरा जेल मिलता है वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेनिफिट नहीं देगा आपको। तो ये रहा, जो हमारा पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट है ना वो इतना ज्यादा इफेक्टिव है, जैसे कि ये होम रेमेडीज।
होम रेमेडीज हमेशा आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगी, बट जो आपको ट्रीटमेंट है ना वो आपके अंदर से बीमारी पे काम करेगा, क्योंकि पिगमेंटेशन के, डार्क स्पॉट्स के, पिंपल, एक्ने के बहुत सारे कारण है। पीसीओडी है, थायराइड है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्ट्रेस है, मतलब जितने भी फैक्टर है ना, जब तक हम उसको जड़ से खत्म नहीं करेंगे हम अपनी प्रॉब्लम को खत्म ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप उसके लिए भी प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए और सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए रेमेडीज को फॉलो करिए। सॉरी पहले ही कहती हूँ अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन आज मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। देखिए, होम रेमेडीज के लिए ये चैनल है, लेकिन अगर आप क्लिनिक पे विजिट करने के लिए स्पेशली 400 रुपए कंसल्टेशन फी पे कर रहे हैं और फिर वहां आके कह रहे हैं कि मैम हम जस्ट होम रेमेडीज के लिए आए थे, तो प्लीज आप अपॉइंटमेंट बुक मत करिए, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, देखिए आपका भी टाइम वेस्ट होता है और मेरा भी, क्योंकि होम रेमेडीज के लिए आपके लिए ये चैनल है, वहां पे आपको 400 रुपए पे नहीं करने, फ्री में आप उस चीज को देख सकते हो। ठीक है, अब इसको लगा लिया। मेरा क्या बहुत सिंपल रूल है कि मैंने अपना एक फिक्स रखा हुआ है रूटीन, क्योंकि मैं हर पेशेंट को टाइम देना चाहती हूँ, तो मैं एक दिन में 10 स्लॉट ही फिक्स करती हूँ। मेरी ओपीडी बिल्कुल फिक्स है कि मैंने 10 स्लॉट, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि मैम आपने प्रीपेड क्यों रखा है, दिस इज द ओनली रीजन कि वो 10 स्लॉट फुल होते हैं, फिर हम उसको नेक्स्ट डे पे स्विच करते हैं। अब क्या होता है कि आपकी वजह से मेरा भी टाइम वेस्ट होता है और वो चीजें खराब होती है, और उससे जिसको बहुत ज्यादा नीड थी वो इंसान रह जाता है। तो प्लीज आप ना तो हमारे ऑफिशियल नंबर पे होम रेमेडी के लिए संपर्क करें, अगर आपको कुछ भी आप यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछो, यहाँ पे आपको रिवर्ट आएगा। अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना। अब ये लगा लिया, अब मैं आपको बताती हूँ, याद है एक बार मैंने पहले इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बताई थी कि हमें स्किन को हाइड्रेट जो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो ये लैमिनेटिंग पेपर आता है, या तो आप बाजार से, मतलब बुक शॉप से 10-15 रुपए का लैमिनेटिंग पेपर ला सकते हो रोल करवा के, और अगर आपको अवेलेबल नहीं होता है तो आप सिंपल पॉलिथीन का भी यूज कर सकते हो, पर मेरे पास ये पेपर अवेलेबल है तो मैं इसका यूज कर रही हूं। अब क्या करना है, जब आपने इसको फेस पे लगा लिया, आपको लैमिनेटिंग पेपर को लेना है इस तरह से और अपने फेस पे इस तरह से आपको लगा लेना है पूरा, और ये यहां से आपने अपने लिप के यहां से इसको करना है कट, सो दैट आप प्रॉपरली सांस ले पाओ, आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना, नोज से नहीं करना ताकि ये आपका कवर है। बहुत से लोगों को इश्यू क्या आता है कि उनको नोज पे, डार्क सर्कल वाले एरिया पे, आईब्रो के ऊपर, लिप के साइड पे, यहाँ पे बहुत ज्यादा मेलास्मा स्प्रेड होने लग जाता है, ये पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा स्प्रेड होने लग जाती है, तो उन लोगों के लिए ये रेमेडी इतनी इफेक्टिव है। अब क्या होगा कि आपको लगभग इसको आधा घंटा लगा के रखना है, इस तरह से लगा लिया, उसके बाद आप अपना आराम से घूमो फिरो, काम करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आधा घंटा लगा, उतनी देर में ना आपकी स्किन में इससे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। अभी तो मैं बोल रही हूं, फिर आपको बोलना नहीं है। जब आपको हीट प्रोड्यूस होगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपके फेस पे वो ग्लो आएगा, वो डलनेस खत्म होगी, और धीरे धीरे करके आपका फेस जो है वो रिपेयर की जो प्रोसेस होती है उसको स्टार्ट करेगा। देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो स्किन है, और स्किन जो ऑर्गन है उसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज है कि वो सेल्फ हीलिंग करता है, कभी चोट लगती है तो वो अपने आप घाव भरता है। सेम विद मेलास्मा पिगमेंटेशन, वो धीरे धीरे हील करेगा, पर जिस वजह से लगी है, मानो चोट लगी, हम बीटाडीन लगाते हैं, डिटोल से साफ करते हैं, सैबलोन से करते हैं, मम्मियां हल्दी लगाती हैं, कोकोनट ऑयल लगाते हैं घाव जाने को, तो वो पूरा प्रोसेस है। सेम विद पिगमेंटेशन, मेलास्मा, पिंपल स्पॉट, एक्ने, कि अंदर से खत्म करो, बाहर से वो चीजें वर्क करेंगी। अगर घाव बहुत गहरा हो तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं हील करने के लिए, एंटीबायोटिक अंदर से उस चीज को हील करते हैं, और आप बाहर से बीटाडीन लगा के ड्रेसिंग करते जाते हैं और कुछ टाइम में घाव भर जाता है। लेकिन कुछ घाव ऐसे भी होते हैं जहां हमें स्टिचेस की नीड रहती है, क्यों? क्योंकि वो घाव इतना गहरा हो गया कि उसमें लेयर्स की इतनी इन्वॉल्वमेंट हो गई, तो हमें वहां पे स्टिचेस लगाने पड़ते हैं। सेम विद मेलास्मा, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। जो बिल्कुल नया घाव है, जो सिर्फ आप दवाई लगा के भर सकते हो, वो पिगमेंटेशन है, और जो इतना गहरा घाव है कि टांकों के बिना, स्टिचिंग के बिना ठीक ही नहीं हो सकता, वो मेलास्मा है। तो आज आपको फर्क अच्छे से समझ आया होगा। अब क्या करना है, जैसे इसको लगा लिया, उसके बाद आधे घंटे के बाद आपको इसको उतारना है, इस तरह से हल्का हल्का करके आधे घंटे के बाद आप इसको जो है इस तरह से रिमूव कर लीजिए। अब क्या करना है इसके बाद, अब आपको करना है फेस वॉश। फेस वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल के 3-4 ड्रॉप्स लेने हैं और अपने फेस पे अच्छे से मसाज करना है और उसको ओवरनाइट रहने देना है। इस रेमेडी को कब कब करना है, आपको जो है इस रेमेडी को
थ्राइस इन ए वीक करना है, एक एक दिन छोड़ के आपको इसको परफॉर्म करना है, और बीच में जो 3 दिन रह गए उसमें आप कोई और रेमेडी भी परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप रेमेडी परफॉर्म नहीं कर सकते। सिंपल सी रेमेडी थी बट इट्स वेरी इफेक्टिव। जब आप स्टार्ट करोगे विद इन 2 वीक्स आपको विजिबल रिजल्ट दिखने लगेगा, बस आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। जिनके पास लेमिनेटिंग पेपर नहीं होगा वो सिंपल पॉलिथीन का भी यूज कर सकते हैं, बट वो चिपका रहना चाहिए आपके साथ, जो पतले वाला पॉलिथीन आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, पिंपल, एक्ने किसी भी तरह की समस्या से परेशान है, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करें, हमारा कस्टमाइज ट्रीटमेंट है और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। नवारा ट्रीटमेंट आप सुन ही चुके होंगे, तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव है, उसके लिए आपको क्लिनिक विजिट करना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ पे सिर्फ इन्हीं बीमारियों का इलाज है, आप किसी भी बीमारी से परेशान है, माइग्रेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, पीसीओडी, पाइल्स, स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस, किसी भी समस्या से परेशान है या अपने बच्चों को लेकर परेशान है, तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से प्यार देते रहें। उपासना की दुनिया को इतना सारा प्यार देने के लिए इतना सारा शुक्रिया। ये मैम है, मेरे पेशेंट है ऑलरेडी, इनका नवारा ट्रीटमेंट चल रहा था, रेगुलर इनके 10 सिटिंग्स ओवर हुई हैं, आज 10 सिटिंग है और इंटरनल मेडिसिन, तो इनका भी फर्स्ट मंथ ओवर हुआ है। तो मैम आप बता दीजिए, इनका पूरा फोरहेड भी ब्लैक था और पूरा चीक्स पे थी, अभी इनका पूरा फेस अप्रॉक्स 80% क्लियर हो गया है। हम मैम के पास आए थे अप्रॉक्स 1 मंथ अगो आए थे, तो मम्मी का ये पूरा ब्लैक था, यहाँ से ये पूरी पिगमेंटेशन पूरी थी, मतलब वो नहीं पता शायद सनलाइट, मतलब कुछ भी था उसकी वजह से ये पूरा था, लेकिन फिर मेडिसिंस ली, नवारा ट्रीटमेंट हुआ, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेड हो गया ये चीज़ बहुत फेड हो गई है, और अभी कंटिन्यू चलेगा, मतलब कि पूरा क्लियर मतलब हो गया है, ऑलमोस्ट 90% रिजल्ट्स हो गए हैं, बस 10% बचा है, वो भी मैम कर देंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो मैं मैम का थोड़ा फेस दिखा देती हूँ, मैं इनकी प्रीवियस पिक्चर भी अटैच करूंगी, तो अभी इनका पूरा फेस ही पिगमेंटेड था और अभी पूरा फेस क्लीन हो गया है। थैंक यू मैम।